हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू डिंपल डायरीज। तो फाइनली ज़्यादा वक्त तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना भी वक्त है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अब बोलते हैं ना, जो लिखा होता है वो होता ही है। तो लिपि ने मुझे बुलाया, मैं आ गई। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने मिलकर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया था, और कोइंसिडेंटली इस साल भी हम लोगों ने मिलकर ही सेलिब्रेट किया है। बहुत खुशी की बात है। और करने वाले हैं, देखो नए दोस्त ठीक है, लेकिन कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो पुराने दोस्तों का बात ही अलग होता है, उनका क्या ही कहना। अब तो वैसे लिपि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है तो मैंने रिसेंटली फोटोज डाले थे जो कि लिपि ने मुझे अपने बचपन के एल्बम से सेंड किए थे। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। अच्छी बात है फिर। तुम अकेला हो ना, आ जाओ आ जाओ, ब्लॉग बन रहा है, आ जाओ। हेलो कर दो हमारे ऑडियंस को। बच्चा है, शर्मा जाते हैं, कोई बात नहीं। तो भले ये कुछ एक मिनट का ही बने, लेकिन ये दोस्ती यारी YouTube पे हमेशा के लिए रह जाएगी, है ना। लिपि तुम कुछ बोलना चाहोगे? बोलो। जिसको चाहती हो हमेशा वो मिल जाता है। कोई नहीं, टिंपल को एक बार फोन करे, टिंपल आ जा हमारे घर। बस एक कॉल काफी है, उसे एक मैसेज, एक कॉल काफी है। कल शाम, कल इवनिंग को कॉल की थी, टिंपल आओगे क्या, आओगे क्या पूछी थी। ओ पूछी ना, आ गई खुद खुद है, चली आई, दौड़ के चली आई। आज हमने बहुत सारे गणपति विग्रह के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। फिलहाल के लिए हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड करता है। गणपति पापा मोरिया, जल्दी घर जाना है, बारिश हो जाएगा फिर। बाय बाय पीपल। फिलहाल अब आ रही है हमारी स्नैक्स की, तो लिपि मुझे चौकड़ी पिठा बनाना सिखाएगी। ओह नो प्रॉब्लम। लिपि अब हम खाना खाएंगे और तुम हमें खिलाओगे चौकड़ी चौकड़ी पिठा जिंदाबाद। चौकड़ी पिठा जिंदाबाद, यस।